नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी पठान के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको तो ये पता ही है कि पठान मूवी बांग्लादेश में रिलीज़ हो गई है, तो चलिए जानते हैं कि इस मूवी ने बांग्लादेश में क्या धमाल मचाया है, क्या बवाल मचाया है, और साथ ही जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड के मामले में ये मूवी कौन सा इतिहास रच सकती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखा जाए दोस्तों, पठान मूवी ऑलरेडी 6 दिन के लिए जो एक सारे शो हाउसफुल है, जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं। और वहीं अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 3 दिन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, और चौथे दिन सोमवार वाले दिन इस मूवी ने 80 लाख रुपए की कमाई करी है, और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 3 करोड़ 30 लाख रुपए। और वहीं अगर हम पठान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, अगर बांग्लादेश में ये मूवी 7 करोड़ के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है तो यकीन मानिए पठान मूवी का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। और देखा जाए दोस्तों, विदाउट चाइना 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी मूवी ने विदाउट चाइना वर्ल्ड वाइड के 400 करोड़ का आंकड़ा नहीं क्रॉस किया है। जी हाँ, अगर मूवी चाइना में रिलीज़ हो जाती है तो फिर उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे आप आमिर खान की मूवी दंगल को भी ले लीजिए। लेकिन अगर चाइना में नहीं रिलीज़ होती हैं तो उनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए नहीं पहुँचता है, और अगर बांग्लादेश में पठान मूवी 7 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है तो देखा जाए बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी बन जाएगी जो विदाउट चाइना इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पठान मूवी बांग्लादेश में 7 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी कि नहीं? अगर मुझसे पूछेंगे तो कर लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसके सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं, ऑलरेडी 6 दिन इसके सारे शो हाउसफुल हैं, और वहाँ जितनी भी टिकटें मिल रही होंगी तो शायद ब्लैक में मिल रही हो तो मिल रही हो, वो बात अलग की है, लेकिन शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी 3 महीने बाद बांग्लादेश में रिलीज़ हुई है और इसके 6 दिन तक के शो सारे हाउसफुल हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।